हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए प्रोज से लेसन 3 का सेकंड यानी कि दूसरा भाग। तो आइए देखते हैं कि इसका हिंदी में रूपांतरण कैसे किया जाएगा। तो इसमें इस अगले पैराग्राफ में लेखक कहता है, टू हेल्थ एंड टू सक्सेस गो टुगेदर, यानी कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। हार माने क्योंकि दे आर इनसेपरेबली इंटरवेंट इन द थॉट रेल्म, क्योंकि विचारों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये दोनों साथ साथ होते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। अब लेखक आगे बताता है कि शक्ति के विश्वास के साथ, बाय द पावर ऑफ फेथ, शक्ति के विश्वास के साथ एवरी एंड्योरिंग वर्क, हर एक इच्छित कार्य इज अकम्प्लिश्ड माने पूरा किए जाते हैं। फेथ इन द सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च में विश्वास कीजिए। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, जो सब पर अपना नियम चलाता है यानी कि जो प्रकृति के नियम हैं उनमें विश्वास कीजिए। फेथ इन योर वर्क, आप अपने काम में विश्वास कीजिए। एंड इन योर पावर, और आप अपने अंदर जो शक्ति है उसमें विश्वास कीजिए। टू अकम्प्लिश दैट वर्क, जो उस कार्य को पूरा करेगा। हियर इज द रॉक अपॉन व्हिच यू मस्ट बिल्ड, यही वह चट्टान है जो आपको अवश्य बनाना होगा। इफ यूड अचीव, इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, अगर आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आप नीचे गिरना नहीं चाहते हैं तो आपको यही वह मजबूत विश्वास रूपी चट्टान को बनाना होगा। तो देखिए, लेखक यहाँ तीन तरह के विश्वासों की बात कर रहा है। पहला तो फेथ इन द सुप्रीम, जो सर्वोच्च शक्ति यानी आलमाइटी है, जो गॉड है, उनमें विश्वास कीजिए। दूसरा, जो प्रकृति के नियम है उनमें विश्वास कीजिए। तीसरा, आपके जो काम है और उसमें जो शक्ति, आपके अंदर जो शक्ति है उस काम को पूरा करने के लिए उसमें विश्वास करें। तो लेखक कहना चाहता है यही वह एक चट्टान है, मजबूत विश्वास रूपी चट्टान है जो आपको अवश्य बनाना होगा यदि आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और नीचे नहीं गिरना चाहते। टू फॉलो अंडर ऑल सरकमस्टांसेस, अब लेखक कहता है कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हर परिस्थितियों में और अपने उस विश्वास को कायम रखिए। द हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, और फिर आप अपने अंदर अंदर और सर्वोच्च चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। टू बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ, और अपने अंदर जो दैवीय शक्ति है उसमें उसके प्रति हमेशा सच्चे बने रहें। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, अपने अंदर के प्रकाश पर विश्वास करिए। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट माने अपने अंदर के प्रकाश पर विश्वास करें। द इनवर्ड वॉइस, जो आपके अंदर की आवाज है उस पर भरोसा करें। एंड टू परसू योर पर्पज विथ ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और फिर आप अपने आरामदायक हृदय के साथ और निर्भीकता के साथ अपने लक्ष्य को ग्रहण कर सकते हैं। बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर विल इल्ड इन टू यू द नीड ऑफ एवरी थाट एंड एफर्ट, कि आपने जो कुछ भी अपना विचार किया है, मेहनत किया है, उसका परिणाम भविष्य में आपको अवश्य मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। इस विश्वास के साथ चलें। नोविंग दैट, और यह मान करके चलें कि द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, कि जो प्रकृति के नियम हैं वो कभी भी असफल नहीं होते। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विथ मैथमेटिकल एस्टीट्यूड, और फिर जो गणितीय सिद्धांत है, गणित के सिद्धांत के अनुसार आपको वो सब कुछ वापस मिलेगा। दिस इज द फेथ, और यही वह विश्वास है। एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और विश्वास में, जीवन में इस विश्वास को लेकर चलने की भी बात है। लेखक के कहने का अभिप्राय यही है कि सचमुच में यह जो विश्वास है, मजबूत विश्वास अगर हमारे अंदर हो, तो जो कि ऐसे विश्वास को हम अपने जीवन में लेकर चल सकते हैं कि प्रकृति के नियम कभी भी गलत नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, और ऐसे विश्वास रूपी शक्ति के साथ में, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, जितने भी अनिश्चितता के गहरे काले पानी होते हैं
और वे सब के सब जो है छंट जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स, वे सभी प्रकार के मुसीबत रूपी जो चट्टाने हैं वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। एंड द बिलीविंग सोल, और यह विश्वासदायी आत्मा पाजे जान अनहार्म्ड बिना किसी नुकसान के आगे की तरफ बढ़ता जाता है। स्टाइव और रीडर, लेखक अंत में कहता है कि हे पाठकों, संघर्ष करो टू एक्वायर अबव एवरीथिंग, ऊपर वर्णन किए गए सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। द प्राइसलेस पजेशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ फॉर द प्राइसलेस पजेशन, यानी बिना किसी कास्ट के, बिना किसी पैसे के, और यानी प्राइसलेस पजेशन का मतलब हुआ जो बहुमूल्य, ऐसी बहुमूल्य विश्वास रूपी जो धन है, और जिसमें बिना किसी कांटे का यह धन है, इसमें कोई मतलब कांटे नहीं है, कोई चुभने वाली चीजें नहीं है, ऐसे विश्वास रूपी धन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। फार माने क्योंकि इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, क्योंकि यह जो है हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, सक्सेस माने सफलता, पीस माने शांति, और पावर माने शक्ति, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और उन सभी प्रकार की जो जिससे जीवन महान बनता है और सर्वोच्च होता है, उन सभी चीजों की टैलिस्मैन है। टैलिस्मैन माने चाबी है। कहने का मतलब यह है, लेखक ये कहना चाहता है कि विश्वास रूपी चाबी से हम इन सारे समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और यही फेथ यानी जो विश्वास है, ये विश्वास रूपी एक ऐसी चाबी है जिस चाबी के द्वारा हम अपना खुश भी हो सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिससे जीवन महान और श्रेष्ठ बनता है। बिल्ड अपॉन सचे फेथ, ऐसे विश्वास को बनाइए, कायम कीजिए। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, और फिर आप ऐसे चट्टान को बना रहे होंगे जो कि शाश्वतता का चट्टान है, जो अस्थाई चट्टान है। एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और अस्थाई रूप, अस्थायित्व लिया हुआ जो इसमें मटेरियल पदार्थ लगा रहे हैं, ऐसा पदार्थ जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे पदार्थ को आप इसमें लगा रहे हैं। एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट, और जो ढांचा फिर आप ऐसा बनाएंगे, विल नेवर बी डिजॉल्व्ड, उस ढांचे को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। लेखक के कहने का अभिप्राय यही है मूल में कि सचमुच में तीन तरह के विश्वासों को अगर आप कायम कर पाते हैं तो यह एक ऐसा गहरा विश्वास होगा, ऐसे मजबूत चट्टान बनेगा, ऐसा घर बनेगा कि जिसको सचमुच में तोड़ा नहीं जा सकता। फार क्योंकि इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरी एंड रिचेस, क्योंकि यह जब विश्वास किसी के अंदर आ जाता है तो जितना भी सांसारिक प्रलोभन और जितनी भी जो है मटेरियल लग्जरीज हैं, जैसे मान लीजिए सांसारिक जो विलासिताएं हैं अथवा धन दौलत हैं, इन सब के पार चला जाता है। द एंड ऑफ विच डस्ट, सचमुच में जो धूल है, लेखक के कहने का अभिप्राय है कि जो सांसारिक प्रलोभन है, ये सब मिट्टी हैं, धूल हैं, और ये इन सबसे परे वह चला जाता है। वेदर यू आर हरिल्ड इन टू द डेप्थ्स ऑफ सॉरो, और फिर उसके बाद चाहे आप कितने भी दुख के गहराइयों में डूब गए हों, अथवा लिफ्टेड अपॉन द हाइएस्ट ऑफ जॉय, अथवा किसी भी प्रकार के और प्रसन्नता के कितने भी शिखर पर या ऊंचाई पर पहुंच गए हों, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, अपने इस विश्वास को हमेशा कायम रखना। एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, हमेशा इस विश्वास पर बने रहना, क्योंकि यह विश्वास जो विश्वास रूपी चट्टान है, यही आपकी मजबूत शरण स्थली है। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमार्टल एंड इम्यूएबल बेस, और ऐसे अपने अमरत्व और गतिहीन यानी कि अस्थाई विश्वास पर हमेशा अपने पैर को डिगाए रखना। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास में केंद्रीभूत होना, यू विल बिकम पजेड ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और फिर आप अपने अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लेंगे, एज विल सैटर, जो कि वह सभी चीजों को दूर कर देगा, लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, जैसे जो संसारिक प्रलोभन रूपी शीशे के ग्लास हैं, उन सबको तोड़ देगा, चकनाचूर कर देगा। ऑल द फोर्सेस ऑफ इविल,
सभी प्रकार की जो बुराइयां हैं जो परेशान करती हैं उनको दूर कर देगा। दैट आर हरेल्ड अगेंस्ट यू, जो आपके विरुद्ध खड़ी रहती थी उनको हटा देगा। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और फिर आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे सच एज मियर स्ट्राइवर, जिसे कोई मुश्किल से संघर्ष करने वाला व्यक्ति आफ्टर वर्ल्डली गेन, जो सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए बड़ा मेहनत करता है और तब जाकर के सांसारिक चीजों को, किसी सांसारिक वस्तु को, चीज को प्राप्त करता है, कैन नेवर नो आर इवन ड्रीम ऑफ। वह आपकी उस सफलता के बारे में ना तो कभी जान सकता है और ना ही तो उसके बारे में कभी कल्पना कर सकता है। आप ऐसे सफलता प्राप्त करेंगे। तो मूल में इस पैराग्राफ का मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से समरी कर देता हूँ। लेखक के कहने का अभिप्राय है इस पैराग्राफ के द्वारा कि हमें तीन तरह के विश्वास कायम रखने चाहिए। पहला विश्वास ईश्वर में करना चाहिए, दूसरी विश्वास जो है प्रकृति में करनी चाहिए, और तीसरा विश्वास अपने कार्य अथवा अपने अंदर विराजमान शक्ति में भी करना चाहिए, सोल में करना चाहिए। यह विश्वास कभी हमको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे विश्वास रूपी चाबी हो जाए तो हम सभी प्रकार की जो जैसे प्रसन्नता, सफलता, शक्ति और स्वास्थ्य आदि सभी चीजों की यही एकमात्र चाबी है, जो विश्वास रूपी चाबी है। हमारे पास अगर ऐसी विश्वास रूपी चाबी हो जाए तो हम खुश रहेंगे, सफल होंगे, शांतिपूर्ण रहेंगे, शक्तिशाली भी रहेंगे और सारी चीजें हम प्राप्त करेंगे जिससे जीवन महान बनता है। और दूसरी बात यह है, लेखक यह भी कहना चाहता है कि सचमुच में ऐसा विश्वास अगर हम कायम कर पाए तो वास्तव में हम ऐसे सफल होंगे कि जैसे दुनिया में कुछ लोग बड़ी मेहनत करने के बाद दुनिया की सांसारिक वस्तुएं कुछ प्राप्त करने में कितना जी जान लगा देते हैं और वे लोग सोचते हैं हमने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली, और वो आपके बारे में अगर तुलना की जाए तो उसके बारे में वास्तव में वह सांसारिक व्यक्ति ना तो कभी सोच सकता है ना तो उसकी कल्पना कर सकता है, आप इतने सक्सेस होंगे। तो अब लेखक आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता है, इफ यू विल बिकम पजेट ऑफ दिस फेथ, अगर आप ऐसे विश्वास को अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस या फेलियर। तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि आगे भविष्य में आप सफल होंगे कि असफल होंगे, इसका चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है, जब आपको ये विश्वास हो गया है कि भाई सर्वशक्तिमान कोई है, और जब आपको विश्वास है कि मेरा कोई काम है वो मेरा काम हमको करना है, और आपको अगर ये विश्वास है कि मेरे अंदर अपनी शक्ति है उससे पूरा हो जाएगा, तो आगे आप सफल होंगे कि असफल होंगे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्शियस अबाउट रिजल्ट्स। अब लेखक आगे कहता है कि आपको परिणामों के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, बल्कि आपको बहुत ही खुशहाली के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से काम करने की केवल जरूरत है। नोविंग दैट, यह जानते हुए कि राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स, कि अगर आप सच्चे विचार वाले हैं और सच्चा मेहनत करने वाले यानी मेहनती भी हैं, विल इनवाइटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, तो निश्चित रूप से समान रूप से आपका परिणाम भी अच्छा ही आने वाला है। तो इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो शॉर्ट में ये कहा जा सकता है कि इस पैराग्राफ में लेखक ने हमें ये सुझाव दिया है कि सचमुच में अगर हम ऐसे विश्वास को कायम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको भविष्य में क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा, इसकी चिंता हम छोड़ दें, बल्कि अपने काम को, जो हमारे हाथ में काम दिया गया है, उस काम को प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से करें। क्योंकि तर्क यह है कि अच्छे विचार और अच्छे प्रयास अच्छे रिजल्ट भी ले आते हैं, परिणाम भी ले आते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में, योर सक्सेस, अब लेखक कहना चाहता है कि आपकी सफलता, योर फेल्योर आपका असफलता, योर इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव, योर होल लाइफ आपका संपूर्ण जीवन, यू कैरी अबाउट जो लेकर आप चलते हैं, विथ यू फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, और जो आप अपने जीवन में चल रहे हैं आपका जो भी प्रभाव है वह एक एक क्षण का जो है एक एक क्षण में परिलक्षित करने वाले कदम होते हैं, आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, अर्थात आपका एक एक क्षण जो भी जीवन आप जीते हैं वो आपके भाग्य का निर्माण करता है।
तो इसमें लेखक ये समझाना चाहता है कि हर एक क्षण में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसी से हमारा भाग्य बनता अथवा बिगड़ता है। अब आगे तर्क दे रहा लेखक, सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स। अगर आप अपने चारों तरफ जीवन देने वाली, अस्थायी रूप से रहने वाली और प्रसन्नदायी यानी प्रसन्नता पूर्ण विचारों को देते हैं, ब्लेसिंग विल फॉल इन टू योर हैंड्स, तो आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आप हमेशा चारों तरफ अपने चारों तरफ अच्छे विचार रखते हैं और लोगों को आप जो है हमेशा जीवन देने वाली बातें करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर खुशियों की बारिश होगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड ऑफ द क्लॉथ ऑफ पीस। और आप जहां भी बैठेंगे शांति ही शांति होगी, यानी कि आपका जो मेज होगा वो शांति की चद्दर से बिछा होगा। सेंड फोर्थ हेटफुल। और इसके विपरीत, अगर आप चारों तरफ हमेशा घृणाप्रद, इम्प्योर, अशुद्ध बातें एंड अनहैप्पी थॉट्स और हमेशा एक दुख देने वाली बातों को या विचारों को चारों तरफ अगर करते हैं, एंड कर्स विल रेन डाउन अपॉन योर पिल अपॉन अपॉन यू एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, तो क्या होगा? आपके ऊपर अभिशापों की बारिश होगी। और जबकि जब आप सोने जाएंगे ना, तो सोते समय भी आप बहुत ही भयभीत होंगे, क्योंकि जो भय है और बेचैनी है वो आपके सिरहाने भी पहुंचेगी। तो लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। अगर हम अच्छे विचार रखेंगे तो हमारे साथ खुशियों की बारिश होगी, अगर हम बुरे विचार रखेंगे तो बुरे विचार हमको सताएंगे। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। और लेखक कहता है, आप अपने भाग्य के आकस्मिक निर्माता हैं। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। बी दैट फेट व्हाट इट मे, आपका जो भी भाग्य है उसे बनने दो। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस, क्योंकि हर एक क्षण में तुम अपना प्रभाव दिखा रहे हो। विच विल मेक आर मार योर लाइफ, जो कि वह प्रभाव से या तो तुम्हारा जीवन बन रहा होता है अथवा तुम्हारा जीवन बिगड़ रहा होता है। लेखक ये कहना चाहता है कि हर एक क्षण में हम लोग अपने भाग्य को या तो बना रहे होते हैं और या तो बिगाड़ रहे होते हैं। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल बनाओ, एंड लविंग एंड अनसेल्फिश, और प्रेम पूर्ण बनाओ और निस्वार्थ बनाओ, एंड ग्रेट एंड लास्टिंग, और महान भी बनाओ, और अंत में क्या होगा? विल बी योर्स इन्फ्लुएंस, अंत में तुम्हारा प्रभाव रहेगा। एंड सक्सेस, और तुम ही केवल सफल रहोगे। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, हालांकि ऐसा बनने पर तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट, और आप अपने स्वार्थ को अगर संभव हो तो थोड़ा कम करें। एंड इवन दो यू बिकेम मिलेनियर, हाँ अगर आप निस्वार्थी होते या अगर आप जो है स्वार्थी होते, अगर आपके अंदर स्वार्थपरता होती तो हो सकता था कि आप करोड़पति बन सकते थे। यू बिकेम ए मिलेनियर, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस एट द फाइनल लिक्विंग। लेकिन भले ही करोड़पति नहीं है, फिर भी अगर एक तुलना किया जाए किसी करोड़पति से और आपसे तुलना किया जाए, यू विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट। तो क्या पता चलेगा कि आपके लिए वह करोड़पति बनना अमहत्वहीन हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है, लेखक ये कहना चाहता है कि हो सकता था कि अगर आप स्वार्थ से भरे होते तो आप करोड़पति हो सकते थे, लेकिन आप जिस तरह के बने हुए हैं, अगर किसी दूसरे करोड़पति से तुलना किए जाएं, तो करोड़पति आपके लिए महत्वहीन हो जाएगा। तो ये था आपका इस पैराग्राफ की व्याख्या। अब आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, कल्टीवेट धन। तो अब लेखक अंतिम में ये कहना चाहता है कि तब तो आप विकास करें दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, ऐसे पवित्र और निस्वार्थ आत्मा का विकास करें, एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, और इसमें पवित्रता और विश्वास को भर दें। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, लक्ष्य को एक बनाइए, कई लक्ष्य वाला मत बनिए, सिंगल लक्ष्य बनाइए। एंड यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, और फिर अंदर अंदर आपके जो तंतुएं हैं वो विकास करेंगी, आपका अंदर अंदर ऐसे विकास होगा, नॉट ओनली ऑफ एबंडिंग हेल्थ, ना केवल आपका शानदार हेल्थ मिलेगा, नॉट ओनली आप अबाउंडिंग हेल्थ माने आपका स्वास्थ्य ना केवल बढ़िया होगा, एंड इंड्योरिंग सक्सेस, और इच्छित सफलता भी आप प्राप्त करेंगे, बट आप ग्रेटनेस एंड पावर।
बल्कि आप महानता भी प्राप्त करेंगे और साथ साथ शक्तिशाली भी बनेंगे, आपके अंदर शक्ति भी आएगी। केवल दो काम करने से, यदि आप अपने हृदय को पवित्र रखते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और एक निश्चित लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है स्वस्थ भी होंगे, सफल भी होंगे, महान भी होंगे और शक्तिशाली भी होंगे। तो इस प्रकार से अब यह जो सेकंड पार्ट इस लेसन का है, अब यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं प्रो से संबंधित जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड है बना रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।